नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुछ दिन पहले आराकोट में हुई एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 18 मार्च 2022 को वादिनी निशा पत्नी हरीश निवासी सुलंग हिमाचल प्रदेश की ओर से चौकी आराकोट थाना मोरी पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 48 वर्षीय मां राधा देवी पत्नी अबलदास निवासी आराकोट की किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि में हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर चौकी आराकोट थाना मोरी पर तत्काल धारा 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला पीके राय पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के संज्ञान में आते ही उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरेंद्र सिंह भंडारी पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभियोग के सफल अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उचित दिशा निर्देश दिए और स्वयं लगातार मामले की मॉनिटरिंग करते रहे। टीम की ओर से कप्तान के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर गवाहों के बयानात और साक्ष्य के आधार पर घटना में संलिप्त एक युवक संदीप पुत्र मिल बहादुर निवासी आराकोट थाना मोरी जनपद उत्तरकाशी को दिनांक आराकोट पुल के पास तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता जेपी बहुगुणा की रिपोर्ट। मार्च 2022 को एक आराकोट क्षेत्र में एक महिला की लाश मिली थी, जो श्रीमती राधा देवी वाइफ ऑफ अव्वलदास, और जिनके हाथ और पांव बंधे हुए थे। इस पे जो हमारी क्षेत्राधिकारी बड़कोट के अध्यक्षता में 7 टीमों गठन किया गया था, और इसमें FSL और SOG और स्थानीय 3 थानों की टीमें वहाँ लगाई गई थी, और जिसमें पूर्व विवेचना की गई और टीमों के द्वारा जो एक संदीप सनाफ मित्र बहादुर, जो वहीं उसी गांव का रहने वाला है और इसका परिवार भी वहाँ मजदूरी करता है, नेपाली मूल के लोग हैं, इसमें पूछताछ करने पे परिस्थितिजनक साक्ष्य और जो भी अन्य साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पे इस संदीप सनाफ मित्र बहादुर को गिरफ्तार किया गया है और इसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।